अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ई एंट्री डिजिटल वर्ल्ड। आप सबको ई एंट्री डिजिटल में खुशामदीद कहा जाता है। ई एंट्री डिजिटल वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चीजों को सीखकर उन पर अमल कर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। हमारा स्लोगन है लर्न एंड अर्न, कि पहले आप सीखिए फिर उसको ऑनलाइन इंप्लीमेंट करके कमाइए। इसी सिलसिले में आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये है विर्चुअल असिस्टेंट्स के बारे में। वर्चुअल असिस्टेंट्स आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। ये ज्यादातर रिलेट करता है अमेजोन के साथ। वैसे तो वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी ई कॉमर्स में हो सकता है, लेकिन क्योंकि अमेजोन एक बहुत बड़ी मार्केट है और लोग वहां पर काम करके पैसे अर्न कर रहे हैं। अच्छा, अमेजोन पर काम करने के लिए खाली आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, तब भी आप अमेजोन पर आराम से अर्न कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए आपको? कुछ स्किल सीखनी है कि आपने कैसे वहां पर मौजूद सेलर्स की सेल को इंक्रीज करना है, उनकी प्रोडक्ट्स को बाया कंज्यूमर तक पहुंचाना है। जब आप ये स्किल सीख जाएंगे तो आपको वो लोग हायर करेंगे और आप आराम से 50 से 60 हज़ार अपने घर में बैठ के किसी और के प्रोडक्ट, किसी और के सेलर आईडी पे चीजों को सेल करके अर्न कर सकते हैं। खाली सेल नहीं, आप उनकी सेलर आईडी बनने में हेल्प कर सकते हैं, उसमें पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अब ये कौन करता है? ये करता है एक वर्चुअल असिस्टेंट। आज हम उसी सिलसिले में आपको वर्चुअल असिस्टेंट में बारे में बताएं। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉमर्स क्या होती है। जैसे आप लोगों की स्क्रीन में अभी शो हो रहा होगा कॉमर्स, स्लाइड्स आती जाएंगी, आपको समझ आता जाएगा साथ। कॉमर्स किसी भी चीज को खरीदने और बेचने का मुल्क कॉमर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी पेन खरीद रहा है और एक बेच रहा है। इन दोनों आदमियों के इस पेन के बेचने के अमल को हम कॉमर्स कहते हैं। अब आ जाते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? खरीदने और बेचने का वही अमल, अगर उसको इंटरनेट के सहारे लिए क्या किया जाए, यानी कि आप इंटरनेट को यूज करते हुए किसी भी सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी इंटरनेट डिवाइस को यूज करते हुए और इंटरनेट ऑन करके उसको ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, इन दोनों चीजों के अमल को हम कहते हैं ई कॉमर्स। ये है ई कॉमर्स। अब आते हैं ई कॉमर्स की काइंड्स कितनी है। ई कॉमर्स की चार काइंड है। एक है B2B, सेकंड है B2C, थर्ड है C2B और फोर्थ है C2C। आज जो हम डिस्कशन करेंगे इन्हीं चार काइंड के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में, ताकि सबसे पहले हमें ई कॉमर्स समझ आए। ई कॉमर्स के बाद हम आगे वर्चुअल असिस्टेंट को मजीद, क्योंकि हम जो वर्चुअल असिस्टेंट सीख रहे हैं ये ई कॉमर्स के लिए ही सीख रहे हैं, तो ई कॉमर्स को पहले समझना ज्यादा जरूरी है। अब पहली काइंड के बारे में बात करते हैं। B2B क्या होता है? कारोबार से कारोबार अच्छा जी, B2B कहते हैं एक ऐसी सेल की जगह से दूसरी सेल जगह तक खरीदारी को सर अंजाम देना। मतलब एक शॉप से दूसरी शॉप तक जो ट्रांजैक्शन होगी खरीदने और बेचने की, इसको हम कहते हैं कारोबार से कारोबार तक B2B। हम इसके आपसे एग्जाम्पल भी बिल्कुल शेयर करेंगे। आप के सामने मैं एक वेबसाइट खोलता हूं ताकि आपको पता चले कि ऑनलाइन अलीबाबा, अलीबाबा का नाम। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता, जो हम किसी वेबसाइट की मार्केटिंग या तशहीर नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल से सिखाने के लिए जो फेमस वेबसाइट है उनको ओपन कर रहे हैं। अच्छा, अलीबाबा को मैं ओपन करता हूँ। ये जी, अब एक वेबसाइट खुली है अलीबाबा। अच्छा, इसमें अलीबाबा जो है ना बेहतरीन एग्जाम्पल है B2B की। कैसे? अब मैं आपको ये भी समझाता हूँ। चले जी, हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लिखते हैं। चले लेट्स सपोज कार चार्जर, कार मोबाइल चार्जर्स होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम उसको सर्च करते हैं या कार चार्जर्स, हमारे सामने मुख्तलिफ कार चार्जर्स आ जाएंगे। अब ये जो लोग यहाँ पर आपको नजर आए, ये हैं सेलर्स, ठीक है, और हम कौन है? बायर्स। ये बेचेंगे, हम खरीदेंगे। अली बाबा पे ये जो अमल होगा, बेसिकली ये
B2B है। B2B क्यों है ये भी मैं आपको गाइड करता हूँ इसमें। चले जी, सबसे पहले ये देखते हैं जी, ये एक भाई साहब है, इन्होंने लिखा जी $0.30 से $2 तक वो दे रहे हैं। अब यहाँ पे पीसीस की आपको, जहाँ पे मेरा माउस है ये देख रहे होंगे, टू पीसेस, फाइव पीसेस, 100 पीसेस। अब मुझे आप ये बताएं, एक आदमी ने घर में, चले इसको हम खोल भी लेते हैं साथ, 100 पीसेस एक सिंगल सारिफ अपने तो नहीं मंगवाएगा? जो 100 पीसेस ऑर्डर कर रहा है वो कौन होगा? वो डेफिनेटली खुद भी सेलर है। अब उस वो पहले क्या कर रहा है, वो अलीबाबा से ये ऑर्डर कर रहा है 100 पीसेस, और वो अपनी शॉप या जो भी उसकी वेबसाइट है, जहां भी उसे सेल करना है वहां पहुंचाएगा, और वहां से फिर वो सारिफ को बेचेगा। अब अलीबाबा पे जो सेल और परचेज हो रही है इस आईडी के थ्रू, ये है B2B। उम्मीद है आप सबको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम इसको क्लोज करते हैं, वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जी, कारोबार से कारोबार B2B आप सबको समझ आ गई होगी कि आपने एक शॉप से बल्क में चीजें खरीद रहे हैं और अपनी शॉप पर पहुंचा रहे हैं ताकि बेचने के लिए, यानी कि आप भी ट्रेडर हो। इसमें दोनों ट्रेडर है, एक मैन्युफैक्चरर भी है और ट्रेडर भी है, इसको कहते हैं B2B। अब आ चीजिए सेकेंड काइंड पर। अब जो सेकेंड काइंड हमारे पास आएगी वो है B2C, मतलब कारोबार से ग्राहक तक, सारे तक, यानी कि हमने अपनी शॉप से, अपने वेयर हाउस से, अपनी जगह से अपनी प्रोडक्ट को सारिफ तक, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, जिसने उसको इस्तेमाल करना है। देखिए, मैंने जहाँ B2B आपको बताया था वहां पे मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मैंने अलीबाबा से उठाया और खुद भी सेल कर रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे है कि मैंने डायरेक्ट कंज्यूमर को पहुंचाना है, यानी कि सारिफ, जिसने इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब फिर हम एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी देता हूँ दोबारा। वंस अगेन हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं। अच्छा, इसकी लिए जो सबसे फेमस वेबसाइट है वो है अमेज़न। इसकी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल इसके लिए अमेज़न बेहतरीन एग्जाम्पल है। हम अमेज़न UK खोल लेते हैं जी, अमेज़न पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे होगा। वैसे तो शॉपिफाई, द्राज और बहुत सारी एप्लीकेशन है। मैंने पहले कहा था हम किसी वेबसाइट की मार्केटिंग या तशहीर करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद आप लोगों को सिखाना है ताकि आपको समझ आए। अच्छा जी, अब ये मैंने अमेजोन खोला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वही अमल करता हूँ जो मैंने अलीबाबा पे किया था, कार चार्जर। आगे चल के मैं आपको मजीद लेक्चर जो हमारे चलेंगे, क्लासेस रेगुलर चलेंगी, उनमें बताएंगे कि ये अमेजोन पर आईडी भी कैसे बनेगा, आपको हर चीज समझाई जाएगी। अब यहाँ पर देखें जी, ये कार चार्जर आ गया। अब यहाँ पर देखें कहीं पर क्वांटिटी मेंशन हो रही है जैसे अलीबाबा पे थी? नहीं, आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ पर हर चीज की सिंगल आइटम की बात हो रही है, ठीक है, ये आपके सामने आ रहा है सारा। अच्छा चले, हम इनमें से एक कार चार्जर को ओपन करते हैं। चले, ये हमारे पास है, इसी को हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, ये हमने एक ब्रांड का ओपन किया है, ठीक हो गया। ये बेसिकली ब्रांड अमेजोन खुद ही है, ये इनका चार्जर है, कार चार्जर जो ये सोल्ड कर रहे हैं। इन्होंने पिक्चर अपनी लगाई हुई है, ठीक है। ये कर रहे हैं 124 पाउंड का, यानी एक पीस 124 पाउंड का दे रहे हैं। यहाँ पर सिंगल आइटम हो रही है। अब जो भी इस आइटम को खरीदेगा, ये अमेजोन का लोगो भी ऊपर लगा हुआ है, अब वो इसको यूज करेगा सारे। ये है जी हमारी वो काइंड B2C। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। B2C में दोबारा रिपीट करता हूँ, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल हो रही है वो सारिफ यूज करेगा, एक वेयर हाउस शॉप से खरीद कर वो अपने तक ला रहा है, और उस इस खरीदने और बेचने अमल को कह रहे हैं हम B2C। अच्छा जी, अब अगली काइंड यहाँ पर आ जाती है, ग्राहक से कारोबार, C2B। अच्छा, ये ना मैं आपको बताऊं, आप सबके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी विचुअल सिस्टम्स की क्लास लेना चाह रहे हो और विचुअल सिस्टम्स सीखना चाह रहे हो, ये आप लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं। अब ये क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आया, जब आप अपने कारोबार के लिए किसी से खिदमात हासिल करते हैं,
अब इस लाइन से, इस जुमले से आपको समझ आ गई होगी, खिदमात हासिल करनी अपने कारोबार के लिए, ये है कंज्यूमर टू बिजनेस, ग्राहक से कारोबार, सी टू बी। अब आप सबको मैंने शुरू में कहा था कि अमेजोन पर काम करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अभी जो लास्ट मैंने आपको एग्जांपल दी, वो तो सेलर था, उसने अलीबाबा से वो चार्जर उठाए, अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचाए, उसने इन्वेस्टमेंट की, तभी जाके अब हुआ ना, और सेकंड में क्या हुआ देखा। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि इसने कारोबार के लिए किसी ग्राहक से सर्विसेज लेनी है। अब ये जो सेलर था, इसके लिए हम सेलर हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम अपनी स्किल्स बेच रहे हैं, जो हम यहाँ पर सीखेंगे यही हम आगे प्रोवाइड करेंगे, विचुअल असिस्टेंस। इसको मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जी मैंने अपना एक कार चार्जर की पैकिंग करवानी है, उस पर मुझे लोगो बनवाना है। अब मैं लोगो के लिए क्या करूंगा, मैं किसी लोगो बनाने वाले को अप्रोच करूंगा, यहां पर ये मेरा कस्टमर है, ग्राहक है, जिसे मैं लोगो बनवा रहा हूँ, किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए। वो लोगो मैंने अपनी बॉक्स पे, अपने ब्रांड पर देना है और अपनी सेल करनी है। तो ये जितने भी अमेजोन के आपको सेलर नजर आ रहे हैं, ये लोग इस तरह की सर्विसेज लेते हैं। जैसे आपने अक्सर एसईओ सुना होगा कि कीवर्ड जनरेट करना, विचुअल सिस्टम का ये भी काम होता है वो कीवर्ड, आगे जाके हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम उसको बताएंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होगी, उसने प्रोडक्ट को लिस्टिंग कैसे करना है, उसने सोर्सिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें हम सीखेंगे और ये इम्प्लीमेंट करेंगे। जब ये सर्विसेज हमारे पास होंगी, तो जो लोग अमेजोन पे या ई कॉमर्स की मुख्तलिफ वेबसाइट पर सेलर आईडी बनाते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको हमारी जो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अपनी एक कपड़े की दुकान बनाई, मैंने कपड़ा लेकर आ गया, मेरे कपड़े पे लेडीज ब्रांड भी है, जेंट्स भी है। अब मुझे वहां पर एक सेलमैन चाहिए। अब वो सेलमैन की इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं है वहां पर, वो तो आया, उसने अपनी सर्विसेज दी और मेरी प्रोडक्ट को सेल किया, मुझसे सैलरी ले ली। इसी तरह समझ लें कि हम इनके लिए सेलमैन हैं, हम सेलमैन की सर्विसेज दे सकते हैं, हम प्रोडक्ट हंटिंग की दे सकते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग की दे सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग की दे सकते हैं। ये सब जब सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको कहते हैं सी टू बी, ग्राहक से कारोबार, यानी अपने कारोबार के लिए खिदमात हासिल करना, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। देखिए कारोबार क्यों हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, वो सेल करने के लिए कर रहा है। अगर उसकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी तो उसको कोई इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं, इसलिए वो क्या करता है, वो विर्चुअल असिस्टेंट की खिदमात लेता है ताकि उसकी सेल बढ़े, उसको प्रॉफिट आना, उसी में से वो हमें हमारा प्रॉफिट या हमारी सैलरी या हमारा कमीशन, जो भी हम उसे टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं, वो हमें पे करता है। और सबसे मजेदार बात, हम एट अ टाइम बड़े आराम से अपना टाइम मैनेज करते हैं, चार लोगों के लिए विचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज एक बंदे ने मुझे हायर कर लिया, वो मुझे कहता है कि आप डेली के 6 घंटे मेरी वेबसाइट सेलर आईडी पे ऑनलाइन रहे, मैं आपको सब सेलर आईडी इशू कर देता हूँ। सब सेलर आईडी कहता है, ये जो चाइल्ड आईडी कहते हैं, इसको भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। ये वर्ड्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, इसलिए अभी परेशान नहीं होना कि ये क्या चीजें, अभी तो क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है, विचुअल असिस्टेंस क्या है ये बताया जा रहा है, ई कॉमर्स क्या बताया जा रहा है। अब वो सब आईडी इशू करेगा, जिसको हम चाइल्ड आईडी भी कहते हैं। हम 6 घंटे ऑनलाइन एक आईडी पे हो गए, तो हम तो 3 लोगों के लिए और भी हो सकते हैं, हम तो बैठ गए ना सर्विस प्रोवाइड करने, फिर एक क्या, तीन क्या, चार क्या। तो हम इन लोगों से 30-30 हज़ार भी मंथली मांगते हैं, तो आप देख ले, 30 ज़रब 4 करें, उसको 1,20,000 पे आपका महीना बन सकता है, और ज्यादा टाइम देने होती है। फिर ये तो हो गया फिक्स सैलरी पे, उसके अलावा मैं कहता हूँ मैं आपके लिए एसओ की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं आपके लिए, अगर आप में से फ्रीलांसर कुछ लोग जाते, चले मैं आपको आज एक और चीज बताता हूँ, फ्रीलांसर पे चलते हैं हम, ये काम फ्रीलांसर्स के साथ भी अटैच है फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर, क्योंकि हमारी जो ई एंट्री का बहुत बड़ा स्लोगन भी यही है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में लोगों को मुतारिफ कराना। अच्छा चले, फाइवर तो आप लोगों ने, बहुत सारों ने नाम सुना होगा, ये फाइवर मैं खोल रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ दोबारा, फिर आपको पता चलेगा फ्री लॉन्चिंग में भी लोग अपनी
सेलर्स आईडी बना के ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे ये मेरा नेक्स्ट था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छा जी, अमेज़न, थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है तो आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा साथ साथ चीजों को। अच्छा जी, अमेज़न, ये देखें जी, ये आ गया, आपको मस्ती नजर आ रही है अमेज़न की। अमेज़न लिस्टिंग इनहेंस ब्रांड कंटेंट, लिस्टिंग इमेजेस, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ये सब अमेज़न की सर्विसेज हैं। ठीक है, चले इसको मैं एसईओ पे लेता हूँ। अमेज़न, ये आप देखें, ये नीचे अमेज़न एसईओ भी आ गया, अमेज़न सेलर आ गया, अमेज़न ब्रांड स्टोर आ गया। ये यानी कि ये सर्विसेज आप यहाँ पे फ्री लॉन्च फाइवर पे एक फ्री लॉन्चिंग वेबसाइट पर प्रोवाइड कर रहे हैं। चले मैं ओपन भी कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लोगों ने क्या किया हुआ है जिन्होंने सेलर ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अच्छा ये देखिए, ये कह रहे हैं जी, आई विल राइट योर प्रोग्राम अमेजोन लिस्टिंग एंड एसईओ प्रोडक्ट्स, व्हाट ही चार्जिंग, 23,134, 23,134। ठीक है, अच्छा ले आप इस 174 टाइम, ये ऑलरेडी ये बंदा अपनी सर्विस किसी अमेजोन सेलर को प्रोवाइड कर चुका हुआ है। अगर आप लोगों को नजर जूम करूँ, अगर या मेरे ख्याल है थोड़ा सा अगर आप देखें तो आपको नजर, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, अगर जूम हो जाए। चलें इसको मैनेज कर लीजिएगा, मैं ओपन करता हूँ इसको, छोड़ दें, मैं आपको आईडी ओपन करके थोड़ा लार्ज स्क्रीन पे दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को सही नजर आए। अब आपको मेरा क्लियर नजर आ रहा है, ये मेरा माउस जहाँ पर है, 23,134, ये इसका बेसिक है। अब ये प्रीमियम भी यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड प्रीमियम जो फाइबर पे काम करता है, ये देखें जी, 46,267। ये क्या कर रहा है, जस्ट एसईओ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब एसईओ की सर्विस क्या है, एसईओ कैसे काम करता है, वो क्या है, ये स्किल्स भी आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। हम अब कंटिन्यूसली लेक्चर अपने अपलोड करते जाएंगे और आपकी क्लासेस भी चलती रहेंगी, आपको समझ आ जाएगी कि एसईओ क्या करता है। इतना मुश्किल आर्ट नहीं है, इंशाल्लाह जब तक हम इसको कंप्लीट करेंगे आप इसके मास्टर हो चुके होंगे। आप जितनी भी फ्रीलांसर की वेबसाइट है वहां पर ये सर्विस, तमाम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वापस आते हैं हम जी अपने टॉपिक पर। अच्छा जी, अब हम आते हैं चौथी क्लाइंट की तरफ जो हमारी आज की लास्ट है, इसके बाद हमारा आज का लेक्चर ऑफ हो जाएगा। ये है जी C2C, यानी ग्राहक से ग्राहक तक। अब यहां पे आप लोग सोच रहे होंगे, यार ये क्या है, ग्राहक से ग्राहक तक ये क्या चीज हुई। चले आपको थोड़ा बताते हैं, सारिफ से सारिफ तक की फ्रॉड को सर अंजाम देना, ऐसा अमल जो एक सारिफ से सारिफ तक पहुंच रहा है, ऐसे लेन देन खरीद फ्रॉड को हम कहते हैं C2C, ग्राहक से ग्राहक। वंस अगेन जरा क्विकली करते हैं क्योंकि ये इतना हमारे से रिलेटेड नहीं, लेकिन क्योंकि ई कॉमर्स की ये क्लाइंट्स है तो आपको बताना जरूरी था। अच्छा अब इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, OLX। OLX का नाम सुनते साथ ही आपको काफी हद तक इसका पॉइंट समझ आ चुका होगा। अच्छा अब ये मैंने OLX को ओपन किया है। अच्छा आप सब जानते हैं OLX पे क्या होता है। लेट्स सपोज मैंने अपना मोबाइल सेल करना है जो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। अब ये मोबाइल मैंने कोई बिजनेस पर्पस के लिए तो नहीं लिया था, मैंने तो मार्केट में जाके मेरी रिक्वायरमेंट तभी अपना मोबाइल ले लिया था। यहाँ पे मैं मोबाइल को ओपन भी करता हूँ साथ। अब मैंने जब मोबाइल खरीदा था तो मैंने तो यूज के लिए लिया था, मैंने सेल करने के लिए तो लिया ही नहीं था। लेकिन OLX पे क्या हो रहा है, जब मैंने वो अपना मोबाइल सेल करना है तो मैं वो अपना मोबाइल वहां अपने मोबाइल की पिक्चर लगाकर, प्राइस लगाकर, उसकी कंडीशन लगाकर लगा देता हूँ। जैसे ये अब सामने मेरे ओपन हो गया iPhone 7 12 प्रो मैक्स 45,000। ठीक है, iPhone 7 22,000, iPhone 7 इस टाइम मार्केट में न्यू तो लॉन्च ही नहीं हुआ हुआ, यानी कि ये किसी ने ऑलरेडी खरीदा हुआ था। ठीक है, अब ये सेलर आ रहा है जोहरा बेग, ये जोहरा बेग ने आईफोन अपना सेल करना है, उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई हुई है, ये देखें ये 6 तस्वीरें टोटल उन्होंने लगाई हुई है आपके सामने है, उन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई। अब मुझे अगर आईफोन चाहिए, मुझे इनकी प्राइस की समझ आती है तो मैं इनसे रब्ता करूंगा। अब यहाँ पे इनकी प्राइस भी मेंशन है, ये तस्वीर मैंने थोड़ी बड़ी की थी ताकि आपको नजर आए। अब ये देखिए 22,000 का, अब मैं इनसे रब्ता करूंगा और मैं इनसे ये आईफोन ले लूंगा। अब ना आईफोन मैंने सेल करना था, ना मेरा कारोबार है, ना जोहरा बेग का कारोबार था। ये है C2C, यानी ग्राहक से ग्राहक, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सारिफ टू सारिफ। अच्छा जी, यहाँ पे आज हम अपना आज का
टॉपिक एंड करते हैं, ठीक हो गया? फिर रिपीट करता हूँ, आज हमने चार काइंड्स डिस्कस की हैं ई कॉमर्स की। ये काइंड्स क्या है थोड़ा सा क्विकली हम रिवाइज करते हैं ताकि कोई चीज मिस हुई है तो हमें दोबारा पता चल जाए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया जी कॉमर्स क्या है, खरीदने और बेचने के अमल को कॉमर्स कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया ई कॉमर्स क्या है, खरीदने और बेचने का ऐसा अमल जिसको इंटरनेट की मदद लेते हुए, इंटरनेट का सहारा लेते हुए पूरा किया जाए, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स की चार काइंड्स हैं, B2B, B2C, C2B और C2C। B2B क्या है? B2B एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने सेल परचेज कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कारोबार को बढ़ाने के लिए। एक जगह से बल्क में माल उठाते हैं और दूसरी जगह अपनी जगह पहुंचा के, अपनी शॉप या अपने कारोबार के पॉइंट पर पहुंचा के सारे को पहुंचाते हैं, इसको कहते हैं B2B। इसकी हमने एग्जाम्पल दी थी अलीबाबा। फिर हमने डिस्कस किया B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, कारोबार से ग्राहक तक। इसकी हमने एग्जाम्पल दी अमेजोन, कि आप अलीबाबा से बल्क में अपना क्वांटिटी में उठा के लेकर आते हैं अपने सेलिंग पॉइंट पर, वहां से कस्टमर को सारी को डायरेक्ट भेज सेंड कर रहे हैं सिंगल पीस आइटम उसके यूज के लिए, उसने आगे सेल नहीं करना, उसने आगे यूज करना है। ये हो गया B2C। अब आ गया C2B, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था C2B सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं विचुअल सिस्टम की, ये है सारी C2B, कि हमने अपने कारोबार के लिए कस्टमर से सर्विसेज ले रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ कस्टमर क्लाइंट बिजनेसमैन को। इसकी हमने एग्जाम्पल भी दी थी आपको, फ्रीलांसर की वेबसाइट जिसमें हमने फाइवर ओपन किया था। उसके बाद आ गया था लास्ट हमारा C2C, सारी टू सारी, कस्टमर टू कस्टमर। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी थी ओएलएक्स, कि ओएलएक्स पे मैं अपना मोबाइल सेल करने जा रहा हूँ, मैंने मोबाइल, मेरा कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, मैंने यूज के लिए लिया था, कुछ अच्छा यूज करने के बाद मैंने मोबाइल चेंज करा, तो मैं अपना मोबाइल सेल करने जाना चाहता हूँ, तो मैं ओएलएक्स पे अपलोड करता हूँ मोबाइल की तस्वीर और प्राइस, और जो मुझसे खरीदने वाला है वो भी यूजर है, उसने आगे सेल नहीं करना, उसने अपने यूज के लिए, इसको कहते हैं C2C। अच्छा जी, आप सबके साथ यहाँ तक हमारा आज का सेशन था, ठीक है? अब हम इसको खत्म करते हैं, और ये मैंने स्क्रीन शेयरिंग भी ऑफ कर दी है, और अब ये हमारी कॉल भी एंड पे आ रही है, ठीक है? इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद डिस्कस करेंगे इसको। ओके जी, सलाम अलैकुम।